अस्सलाम वालेकुम। हम एप्लीकेशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रैबिट्स एंड दी फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची ने फर्स्टली ये प्रॉब्लम रिप्रेजेंट किया था, दैट्स वाई ये फिबोनाची प्रॉब्लम भी कहा जाता है इसको। प्रॉब्लम ये है कि अ यंग पेयर ऑफ रैबिट्स वन ऑफ ईच सेक्स इज प्लेस्ड ऑन एन आइसलैंड। अ पेयर ऑफ रैबिट्स डज नॉट ब्रीड अंटिल दे आर 2 months ओल्ड। आइसलैंड पे आपके पास एक पेयर ऑफ रैबिट्स है, वो तब तक ब्रीड नहीं करते, न्यू पेयर रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं रखती जब तक वो 2 months के ना हो गए हों। आफ्टर दे आर 2 months ओल्ड ईच पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूसेस अनदर पेयर ईच मंथ। जब वो 2 month के हो जाते हैं तो वो जो पेयर ऑफ रैबिट है वो हर मंथ, फिर उसके बाद आफ्टर 2 months ओल्ड हर मंथ वो एक न्यू पेयर रिप्रोड्यूस करते हैं। फाइंड अ रिकरेंस रिलेशन फॉर द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट्स ऑन द आइसलैंड। आपने आफ्टर एन मंथ्स के बाद कितने पेयर ऑफ रैबिट्स हो जाते हैं उसके लिए रिकरेंस रिलेशन बनाना है। अज्यूमिंग दैट नो रैबिट्स एवर डाई, अज्यूम करते हैं हम कि कोई भी रैबिट डाई नहीं होता, मतलब वो सारे के सारे जिंदा ही हैं। हाउ मैनी रैबिट्स आर देयर एट द एंड ऑफ 1 year, एक साल बाद रैबिट्स की पॉपुलेशन कितनी है आइसलैंड पे, कितने रैबिट्स हैं, हमने ये कैलकुलेट करना है बाई यूजिंग रिकरेंस रिलेशन। पहले हम मॉडल बनाएंगे दैन फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये आपके पास रिप्रोड्यूसिंग पेयर्स हैं, एटलीस्ट 2 months ओल्ड जब होते हैं तब रिप्रोड्यूस होते हैं। ये यंग पेयर्स हैं, ये मंथ है, फर्स्ट मंथ में कितने पेयर्स थे, फिर वही काउंट किया गया है रिप्रोड्यूसिंग पेयर्स कितने हैं, यंग पेयर्स कितने हैं, टोटल पेयर कितने हैं। आप देख सकते हैं जब फर्स्ट मंथ है आपके पास तो आपके पास इनिशियली एक पेयर ऑफ रैबिट्स है, जब सेकंड मंथ था तब भी वही पेयर है क्योंकि आफ्टर 2 months वो ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू पेयर। जब इस पेयर का थर्ड मंथ था तो इसने रिप्रोड्यूस किया एक पेयर विच इज़ सेकेंड पेयर। ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पेयर ने आपके पास ये प्रोड्यूस किया है ये वाला पेयर। जब इसका ये जो फर्स्ट पेयर आपके पास है इसका जब फोर्थ मंथ था, ये इसका थर्ड मंथ है, ये इसका फोर्थ मंथ है। जब ये इसका फोर्थ मंथ था तो अब आपके पास ये पिछला पेयर भी है इसके साथ, ये जो इसने पिछले मंथ प्रोड्यूस किया था, लेकिन ये जो न्यू पेयर है इसका तो अभी सेकेंड मंथ चल रहा है, इसने कोई भी नया पेयर प्रोड्यूस नहीं करना। ये जो पिछला है जिसका फोर्थ मंथ है इसने अब हर मंथ एक नया पेयर प्रोड्यूस करना है, तो ये थर्ड पेयर इसका है। अब जो आपके पास फिफ्थ मंथ है, इस फिफ्थ मंथ में आपके पास ये 2 pairs भी आ गए हैं, ये थर्ड पेयर भी आ गया है, ये अब टोटल 3 pairs हैं इसका। आपके पास इसने तो प्रोड्यूस करना है, इसका भी थर्ड मंथ है, ये भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका सेकंड मंथ है, ये अभी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जो इन दोनों ने न्यू पेयर प्रोड्यूस किए हैं वो ये वाले हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसी तरह आप 6 months में आपके पास टोटल पेयर्स कितने हो गए, ये वाले सारे और ये वाले, अभी आपके पास टोटल ये सारे पेयर्स हो गए, लेकिन ये अब तीनों प्रोड्यूस करेंगे लेकिन इनका सेकंड मंथ चल रहा है, ये 2 प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये तीनों पेयर ऑफ रैबिट्स, न्यू पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये 3 देख लें। तो इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देखें रिप्रोड्यूसिंग पेयर ये कितने हैं और फिर आपके पास टोटल पेयर्स कितने हो गए हैं, ये सारा टेबल में काउंट है। फर्स्ट मंथ में आपके पास कोई भी प्रोड्यूस नहीं हुआ और टोटल आपके पास एक पेयर था, और टोटल यंग पेयर भी एक है, टोटल पेयर भी एक है। सेकंड मंथ में भी आपके पास कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ, एक एक ही है। फिर थर्ड मंथ में आपके पास एक पेयर था, उसने प्रोड्यूस किया, दूसरा जब हो जाता है पेयर ऑफ रैबिट्स तो आपके पास टोटल 2 pairs ऑफ रैबिट्स हो गए। इसी तरह फोर्थ मंथ में आपके पास वो जो रिप्रोड्यूसिंग उसी पिछले वाले का है और जो न्यू है ये आपके पास टोटल अब 3 हो गए, इसी तरह ये काउंट हुआ हुआ है। अब इसकी मॉडलिंग बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में आपके पास हम इसको डिनोट कर रहे हैं fn से, fn भी द नंबर ऑफ पेयर ऑफ रैबिट्स आफ्टर n मंथ्स। रिकरेंस रिलेशन बनाना है हमने कोई टर्म, जैसे हमने ans यूज़ किए थे, यहाँ पे हम फिबोनाची प्रॉब्लम है तो हम f यूज़ कर रहे हैं, fn है n इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये f1 f2 f3 अप टू सो ऑन, ये फिबोनाची सीक्वेंस की टर्म्स हैं। द रैबिट पॉपुलेशन कैन बी मॉडल्ड
using a recurrence relation. At the end of first month, the number of pairs of rabbits on the Iceland is F1 equals to 1. First month में ज़ाहिर है एक ही pair था, because the pair does not breed during second month. तो second month में भी जो second term है आपके पास F2, वहाँ पे भी एक ही pair था F1 और F2, ये आपके पास ऐसे initial conditions use होंगी. First और second month में आपके पास एक एक pair ही था. To find number of pairs after n months, add the number on the Iceland the previous month. ये आपके पास जो previous जो आपके पास nth month में नंबर ऑफ़ रैबिट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जो प्रीवियस मंथ में होंगे नंबर ऑफ़ रैबिट्स प्लस जो आपके पास आफ्टर जो न्यू पेयर ऑफ़ रैबिट्स प्रोड्यूस होंगे वो वाले ये हैं F1-1 प्लस F1-2, बिकॉज ईच न्यू बर्न पेयर कम्स फ्रॉम अ पेयर एटलीस्ट 2 months ओल्ड. तो आपने एन मंथ के बाद जो पेयर ऑफ़ रैबिट्स कैलकुलेट करने हैं वो सम है उस प्रीवियस मंथ जितने आपके पास रैबिट्स थे और उस मंथ जो प्रोड्यूस हुए हैं वो उन दोनों का एडिशन होगा. तो ये हमने मॉडल बना दिया, रिकरेंस रिलेशन बना दिया, फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3. तो जैसे जैसे हम एन की वैल्यूज पुट करेंगे हर मंथ वो आपके पास न्यू पेयर टोटल पेयर ऑफ रैबिट्स आते जाएंगे. तो इनिशियल कंडीशंस हम यूज़ कर रहे हैं F1 = 1, F2 = 1. फर्स्ट और सेकंड मंथ में आपके पास एक पेयर ऑफ रैबिट्स था. तो अब इस रिकरेंस रिलेशन में एन की वैल्यूज पुट करते हैं. जब आपके पास थर्ड मंथ था एन की वैल्यू जब हमने यहाँ पे 3 पुट की, 3-1 आपके पास F2 हो गया और ये आपके पास 3-2 इज F1 हो गया. F2 और F1 की यहाँ पे वैल्यू पुट की तो थर्ड मंथ में जो पेयर ऑफ रैबिट्स हैं वो आपके पास 2 है, 1+1 = 2. इसी तरह फोर्थ मंथ में जब इस रिकरेंस रिलेशन में एन इक्वल टू 4 पुट किया है तो ये F3 हो गया और ये F2 हो गया. तो यहाँ पे F3 और F2 की ये जो हमने F3 की वैल्यू फाइंड कर ली थी और F2 की जो हमारे पास थी 1 है यहाँ पे पुट किया, तो आपके पास फोर्थ मंथ में पेयर ऑफ रैबिट्स आपके पास टोटल 3 है. और पेयर ऑफ रैबिट्स तो 3 हैं लेकिन टोटल जो रैबिट्स हैं वो उसका डबल है, मतलब पेयर में तो 2 होते हैं तो इसलिए ये 6 रैबिट्स हैं. हमने एक साल बाद टोटल रैबिट्स कैलकुलेट करने हैं. तो यहाँ पे इसी तरह आप कैलकुलेट करते जाएंगे पिछली टर्म्स पुट करते हुए. तो जब आपके पास 12 मंथ होगा तो F11 प्लस F10 है, इनकी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये 12 मंथ में आफ्टर 1 ईयर 144 पेयर ऑफ रैबिट्स होंगे. तो आफ्टर 1 ईयर आपके पास 144 पेयर ऑफ रैबिट्स हैं. इन अदर सेंस आप कह सकते हैं कि आपके पास 288 रैबिट्स हैं एक साल के बाद. ये जो लिखा हुआ है ये गलती से है, आई डोंट नो इन्होंने क्यों लिखा है. आफ्टर 1 ईयर तो आपके पास 12 मंथ्स बनते हैं, तो यहाँ तक है आपकी कैलकुलेशन. 144 पेयर ऑफ रैबिट्स आफ्टर 1 ईयर हैं और टोटल आपके पास जो रैबिट्स हैं आइसलैंड पे वो हैं 288. तो ये है आपके पास फिबोनाची प्रॉब्लम और उसका सलूशन. होप सो कि आपको समझ आ गई होगी हर मंथ किस तरह, 2 मंथ का जब होता है पेयर ऑफ रैबिट तो वो ब्रीड करने के काबिल होता है, रिप्रोड्यूस करने के काबिल होता है. तो उसके बाद हर मंथ वो एक नया पेयर रिप्रोड्यूस करेगा. इसी तरह जो न्यू आ रहे हैं पेयर ऑफ रैबिट्स वो भी जब 2 मंथ के हो जाएंगे उसके बाद हर मंथ रिप्रोड्यूस करेंगे. तो ये हमने आफ्टर 1 ईयर कैलकुलेट किए हैं. तो ये आपके पास आफ्टर 1 मंथ आपके पास कोई भी गिवन डेटा हो तो यूज़ करते हुए आपके पास कोई भी इनिशियल कंडीशंस डिफरेंट भी हो सकती हैं. डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस के लिए न्यू कैलकुलेशन आती जाएगी. ये आपके पास है फिबोनाची प्रॉब्लम, इसकी मॉडलिंग हमने की, इसको सॉल्व किया. डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस के लिए आपके पास डिफरेंट कैलकुलेशन आ सकती है. तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है रिकरेंस रिलेशन वाला टॉपिक. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, डिस्कस करेंगे उसे. जनरेटिंग फंक्शंस होगा हमारा न्यू टॉपिक. तो रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड हमने इसका इंट्रो किया था, फिर कुछ लेमस डिस्कस किए थे, क्वेश्चंस किए थे, रिकरेंस रिलेशन का सलूशन फाइंड किया था. कोई भी ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन हो, डिस्टिंक्ट रूट हो, यूनिक रूट्स हो, उसके लिए कैसे हम फाइंड करते हैं उसका सलूशन. फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन को डिस्कस किया है. और सब क्या आपको समझ आ गई होगी. इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, आप करने के काबिल हैं तो प्रैक्टिस करिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.